आई थी। हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि ये जो सफर आपने जो सफलता का अभी तय किया है, तो इसको लेकर की पॉइंट क्या रहा आपके सक्सेस का? जी, अगर मैं समराइज करूँ पूरे जर्नी को तो कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा। पहला ये कि पहले आईआईटी कानपुर से निकलने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो जॉब 2-3 साल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर लोगों के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना है नीचे लेवल तक, तो आपको सिविल सर्विस या सेवा में जाना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद मैंने तैयारी वगैरह स्टार्ट किया, तो और 1-1.5 साल मैंने अच्छे से तैयारी वगैरह किया, जॉब के साथ किया। बीच में मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया था जॉब से, जब मुझे लगा कि मेंस पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये लंबा एग्जाम है ना, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो बीच में जहाँ जहाँ मुझे लगा कि शायद एग्जाम पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, तो वो मैंने किया। उसके अलावा फैमिली मेंबर जितने भी, मम्मी पापा हो गए खासकर, उन लोगों का सपोर्ट वगैरह होता ही है, ताकि जो बहुत कुछ चलते रहता है आसपास में, उन सब डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके और जो टाइम है वो जॉब वगैरह भी कर सके, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था साथ में। और अगर तैयारी की मैं बात करूँ, तो तैयारी में मेरे लिए जो विषय है, जो सब्जेक्ट्स है, उन सब का लास्ट ईयर के क्वेश्चन वगैरह मैंने 4-5 साल पे अच्छे से स्टडी किया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बना के जो जो टॉपिक मेरा अच्छा था उस पर कम टाइम, जो जो कमजोर था उस पर अच्छे से समय देके मैंने तैयारी वगैरह किया। कोचिंग वगैरह मैंने ऐसे मेनली ज्वाइन नहीं किया था, बट थोड़ा बहुत दोस्तों वगैरह से भी सजेशन वगैरह लेके या कॉपी वगैरह थोड़ा रिव्यू वगैरह करवा लिया कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो कैसा है, फीडबैक वगैरह लेके। तो इन सब के साथ अगर मैं समरी बोलूँ तो मैंने मेहनत अच्छे से किया, और साथ ही साथ जो समय, टाइम मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, वो काफी अच्छे से करने की कोशिश की, ताकि जॉब और जो तैयारी है दोनों साथ में अच्छे से कर सके। जी, तो इसमें आपने सेल्फ स्टडी करके ही आपने अपनी सफलता को प्राप्त किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया। कोचिंग से तो बस थोड़ा बहुत मॉक इंटरव्यू वगैरह 1-2 हो गया ऑनलाइन वगैरह, मैं वैसे ज्वाइन किया, बट ऐसे प्रॉपर कोचिंग एक भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुश्किल था, जॉब वगैरह था, तो जॉब आपका सुबह से लेकर शाम तक जॉब में ही चला जाता है। बाकी समय मैंने खुद से ही थोड़ा बहुत, जो 1-2 दोस्त दिल्ली में तैयारी वगैरह कर रहे थे, उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि गाइडेंस वगैरह है ना। जी, एक प्रश्न होता है बच्चों के लिए, खासकर जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ाई किया आपने? घंटे एग्जैक्ट हमेशा तो सेम नहीं रहता है, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो 7-8 घंटे की पढ़ाई होता है, 7-8 घंटे मैंने अच्छे से किया होगा। मेरा जॉब था तो जैसे वीकडे हो गया सोमवार से लेकर शुक्रवार, तो उस समय 5-6 घंटे मिलता होगा, पर सैटरडे संडे ऑफिस नहीं होता था, तो उस समय 10-12 घंटे भी कई बार होता था। तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा 8-10 घंटे पढ़ाई वगैरह मैंने किया, बट जो भी टाइम दिया उस पर पूरा अच्छे फोकस करके, ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा ऐसे उड़ा दिया, वो काम करने के लिए। एक बात बताइए, जब आपने सबसे पहले कभी कभी जब बचपन में जब आपने सोचा होगा कि यूपीएससी लोग करते हैं, वो अफसर बनते हैं और ये सारी बातें, और अब आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो वो पहले जो सोच थी और आज की जो बातें हैं, वो उस बीच का ड्यूरेशन में क्या अंतर पड़ा है? पहले जो सोचते थे इतना मुश्किल, वो मुश्किल का सामना करना पड़ा या आसानी से हुआ सब? जब स्टार्ट करते तैयारी वगैरह या उससे पहले, सबसे पहले तो जैसे छोटा था तो पापा ले जाते थे डीएम हाउस के आसपास, फिर दिखाते थे कि हाँ डीएम का बिल्डिंग ये है, ये लोग काम वगैरह काफी अच्छा कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके, तो उस समय एक मोटिवेशन वगैरह मिलता था। और अगर तैयारी की बात करूँ तो तैयारी के पहले होता है, बिल्कुल होता है कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं, क्या होगा, तो वो संशय हमेशा लग रहा था, बट एक विश्वास था कि अगर लगातार करते रहे, मे बी पहली बार ना हो पर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा या उसके अगली बार हो जाएगा, जो कमी है आप उस पर फोकस करें, हो सकता है कोई विषय है जिसमें कम नंबर आए तो आप उस पर अगली बार काम कर सकते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने किया। मतलब अब सक्सेस के बाद अच्छा लग रहा है काफी, बट पहले जो था स्टार्टिंग में उस समय एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखा था कि भले जैसा भी हो आगे उसको अच्छा करेंगे, कभी भी है ना नेगेटिविटी में मैं जाना नहीं चाहता, तो वो रहा था। अच्छा, नेगेटिविटी की बात की तो कभी तो कोई दौर ऐसा आया होगा, कहते हैं सफलता प्राप्त करने के बीच में बहुत सारे ब्रेक बीच में लगते ही लगते जी, हैं जी, तो आपका ब्रेक कब लगा होगा, जब लगा कि अब ये होने वाला नहीं है शायद, ऐसा कुछ कभी मौका मिला? ऐसा कई बार सोचाता है, 1-2 बार नहीं, खासकर जैसे अगर मैंने छोटा मोटा टेस्ट वगैरह दिया उस पर नंबर वगैरह अच्छे नहीं है, तो फिर लगता था कि पता नहीं इतना कम समय में हो पाएगा या नहीं, फिर सोचता था कि ठीक है जितना भी समय है उसको अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे से उतना ही टाइम पे फोकस करते हैं, क्या पता हाँ उतना ही से हो जाए। तो ये जो उतार चढ़ाव वाली है ना, वो
जिंदगी में तो आती है, प्रिपरेशन के दौरान में भी काफी आती है। तो वो मेरे साथ भी कई बार हुआ, टेस्ट वगैरह दिया कम नंबर आया, फिर लेकिन उस पर काम किया जो एरिया में कम नंबर आया, तो इससे आगे हौसला बढ़ते जाता है। चलिए, तो वो सफलता आपने प्राप्त कर ली। अच्छा, अपने दोस्त को भी कुछ याद करना चाहेंगे जिनके सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, या कभी कोई मौका मिला जब उन्होंने साथ दिया हो, वो सुनना चाहेंगे वो, अगर वो उनके बारे में कुछ बताएं। जी, मेरे एक एक दोस्त जो काफी करीब रहा है, वो मेरे साथ में यानी आईआईटी कानपुर से मैं आता है, तो वहां से वो भी सेम बैच में था, वो दिल्ली वगैरह में तैयारी को करता है, वैभव पांडे नाम है उसका। तो उसका सपोर्ट वगैरह काफी रहा, उसने कोचिंग लिया, मैंने कोचिंग नहीं लिया, तो ऐसे बात होती रहती थी। कई बार वो बताता था कि इस एरिया से पढ़ो, इस एरिया को अवॉइड करो, तो मैं काफी थैंकफुल हूँ वैभव पांडे दोस्त के लिए। मतलब उसके दोस्तों का अलावा भी साथ कई मिला। सारे दोस्त, जी जी बिल्कुल, दोस्तों का साथ हर स्टेज पे मिला, जैसे प्रीलिम्स और मेंस में मिला, उसका उसके अलावा इंटरव्यू वगैरह में एक राहुल करके बेगूसराय के, उनका भी सिलेक्शन हुआ है अभी, तो अभी उनका भी जिस काफी मुकाम पर साथ आप हुआ अभी तक पहुंचे हैं, ये इससे जी। और भी आगे बढ़ने का कुछ प्लानिंग है, या यहाँ तक अब लग रहा है कि अब इस पे आप समाज सेवा में लग जाना चाहिए और काम में अपने लगना चाहिए, क्या करना नहीं, चाहेंगे? आगे आगे जाने का स्कोप है, और आगे जाने की बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी कि हाँ इसे और अच्छा किया जाए। और उसके अलावा जो एक है ना ब्रोडर माइंडसेट है कि हाँ इस सर्विस के थ्रू आप समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो या बिजली या जो भी एजुकेशन हेल्थ जितने भी हो, उन सब पे काम तो करना मकसद है ही, बट हाँ अगर आप इसे और अच्छे पोजिशन वगैरह पे जाते हैं तो आगे और भी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी कोशिश जारी रहेगी। ठीक है, अपने परिवार के लोग और साथ में आपके समाज के बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, उन लोगों को क्या संदेश देना जी, चाहेंगे? उन लोगों को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो बस ये आपका योगदान या आपका मेहनत ही नहीं होता, उसके अलावा फैमिली होता है या जो आपके सबसे करीब होता है, उसके अलावा जो सोसाइटी है, समाज है, उनका भी योगदान काफी रहता है, वो भी काफी मदद करते हैं ताकि आप आगे निकले, आगे जाए। तो उनको मैं काफी धन्यवाद उन सारे सपोर्ट के लिए करता रहूंगा, और ऐसे उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे, यही कहना चाहूंगा उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और आपसे अभी मौका मिला जी बात करने का, अभी चूंकि रिजल्ट का अभी बात सामने आया है, तो अभी आप एंजॉय करें और जी हम लोग आशा रखेंगे कि समाज के लिए और सारे जो प्रश्न हमारे दर्शक पूछेंगे, अभी मौका मिला तो आपसे फिर बिल्कुल उसका जवाब लेकर हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी किसी भी प्रश्न का जवाब बहुत देने बहुत में। धन्यवाद नीरज जी। थैंक यू, थैंक यू।